हाँ बच्चों, तो आज शुरू करते हैं सारणिक। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको समझना रहेगा। तो सारणिक के पहले अगर आप क्लास में पढ़ोगे या बुक में देखोगे तो सारणिक के पहले आव्यूह चैप्टर है, लेकिन मैं आव्यूह बाद में पढ़ाता हूँ, पहले सारणिक पढ़ाता हूँ, इससे बच्चों को आसानी होती है, आप जान जाओगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारणिक के डिफिनेशन की बात करें, सारणिक की परिभाषा। तो सारणिक की परिभाषा क्या होती है? सारणिक की परिभाषा आव्यूह पर आधारित होती है। सारणिक एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसका एक निश्चित मान होता है, निश्चित और अद्वितीय मान होता है। तो चूंकि अभी आप आव्यूह पढ़े नहीं हो, जब आव्यूह पढ़े नहीं हो तो जाहिर सी बात है जानते नहीं हो आव्यूह, और जब आव्यूह जानते नहीं हो तो आव्यूह पर आधारित परिभाषा जान नहीं पाओगे। तो परिभाषा को छोड़ते हैं, वैसे परिभाषा पूछता नहीं है, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। सारणिक के बारे में कुछ पॉइंट वाइज हम लिखवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लो, देख लो ध्यान से। तो हेडिंग दीजिए, पहले चैप्टर का नाम सारणिक, फिर लिखिए हेडिंग, साथ में लिखते रहो बच्चों, महत्वपूर्ण परिणाम। लिखावट अगर ना क्लियर हो तो सुना कीजिएगा, आप ईयरफोन लगा के सुना कीजिएगा और साथ में लिखा कीजिएगा, नहीं तो पॉज करके जूम करके देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सारणिक को निरूपित करने के लिए उसके अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं, अभी लिख लीजिए फिर समझाते हैं, के बीच में पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में लिखते हैं। ये पहला पॉइंट था कि सारणिक को निरूपित करने के लिए उसके अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं, जैसे माड आप बनाते हो वैसे माड के रूप में लिखना है, दो ऊर्ध्वाधर रेखा और उन रेखाओं के बीच में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में हम उनके अवयवों को लिख जाएंगे। पंक्ति क्या होता है? जो क्षैतिज होता है, हॉरिजेंटल, जिसको इंग्लिश में रो बोलते हैं, और स्तंभ क्या होता है? जो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर, उसको कॉलम बोलते हैं। खैर अभी समझाते हैं, फिलहाल नंबर दो लिखिए। दूसरा पॉइंट, सारणिक को डी, कैपिटल डी या डेल्टा द्वारा निरूपित करते हैं। सारणिक को निरूपित करने के लिए डी या डेल्टा संकेत का प्रयोग करते हैं। डी फॉर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। डेल्टा से क्यों निरूपित करते हैं? क्योंकि जब सारणिक की खोज हुई थी तो इसका प्रयोग शुरुआत में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया गया था, तो इसीलिए इसे डेल्टा से भी निरूपित करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सारणिक का अनुप्रयोग जब पढ़ोगे तो निकालना जानोगे। फिलहाल तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सारणिक का स्वरूप, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। सारणिक का स्वरूप सदैव वर्गाकार होता है। अर्थात पंक्तियों और स्तंभों की संख्या
सदैव समान होती है। ये बिल्कुल कंपलसरी है बच्चों कि अगर सारणिक है तो उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो तो सारणिक होगा ही नहीं। अब अगले पॉइंट पे नंबर 4, सारणिक का एक निश्चित तथा अद्वितीय मान होता है। मतलब कोई भी सारणिक रहे उसका एक फिक्स मान होगा, फिक्स वैल्यू उसकी होगी, वो चेंज नहीं होगा और निश्चित मान होता है। जबकि अव्यूह में ऐसा नहीं होता। फिलहाल अव्यूह की बात में करेंगे। अब अगला बात करते हैं सारणिक की क्रम, सारणिक की कोट या उसके क्रम की। किसी सारणिक में जितनी पंक्तियां अथवा जितने स्तंभ होते हैं, पंक्तियां मतलब रो, और रो को हम आर से निरूपित करते हैं इसलिए यहाँ आर लिख दे रहे हैं। जितनी पंक्तियां रो अथवा जितने स्तंभ, स्तंभ की इंग्लिश होती है कॉलम, और इसीलिए इसे हम सी से निरूपित करते हैं, होते हैं वह सारणिक की या उस संख्या को सारणिक की कोटि अथवा क्रम, जिसकी इंग्लिश होती है आर्डर कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ देने एक बार फिर से। किसी सारणिक में जितनी पंक्तियां अथवा जितने स्तंभ होते हैं, अथवा मैंने क्यों लगाया, सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया कि किसी सारणिक में जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अगर तीन पंक्तियां हैं तो तीन स्तंभ होंगे, तो इस स्थिति में उसकी कोट कितनी होगी, 3। समझ में आ रहा होगा। किसी सारणिक में अगर 4 पंक्तियां हैं तो 4 स्तंभ भी होंगे और उसकी कोट भी 4 होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, किसी सारणिक के अवयवों की संख्या उसकी कोटि के वर्ग के बराबर होती है। बच्चों बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सौंकने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा ये पॉइंट है। उसमें कितने अवयव, किसी सारणिक में कितने अवयव होंगे, अवयव निकालने के लिए उसकी कोटि जो रहेगी उसी का हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे किसी सारणिक में अगर 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं तो उस सारणिक की कोट कितनी होगी, 3 होगी, और उसके अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9। आगे सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अब ये 7वां पॉइंट अंतिम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सारणिक के अवयवों से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ यूज। देख लो नंबर 7, सारणिक
कि किसी अवयव को, किसी एलिमेंट को ए आर सी या ए आई जे। बच्चों ये ए आर सी जो है ये मेरा बनाया है, ये आपको कहीं किताब में दिखेगा नहीं। जब भी आप किताब में देखेंगे ना बुक में, तो ए आई जे ही लिखा होता है। मैंने ए आर सी क्यों बनाया अभी पता चल जाएगा। तो सारणिक के किसी अवयव को ए आर सी या ए आई जे द्वारा निरूपित करते हैं। ये ब्रैकेट में कर दे रहे हैं क्योंकि आई जे हम कभी नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे ए आर सी ही बोलेंगे। ए आर सी द्वारा निरूपित करते हैं जहां आर पंक्ति क्रमांक को तथा सी स्तंभ क्रमांक को दर्शाता है। अब मैंने अभी बताया कि किताब में ए आई जे लिखा होगा, सारे टीचर लोग भी ए आई जे बताते हैं। मैंने ए आर सी क्यों लिखा, आपके सुविधा के लिए आपको ए आर सी, ए आर सी आपको ज़्यादा आसान रहेगा समझने के लिए, क्योंकि आर, आर का मतलब होता है रो, रो मतलब क्या होता है पंक्ति, और सी का मतलब होता है कॉलम, कॉलम का अर्थ है स्तंभ। तो आर जो है वो पंक्ति क्रमांक को दिखाता है और सी जो है वो स्तंभ क्रमांक को दर्शाता है। आई जे में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आई क्या है, पंक्ति है, जे स्तंभ है। और आर सी में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप एकदम से समझ जाएंगे आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम। अब आप अगर ज़्यादा अकलमंद होंगे आर फॉर रैट, सी फॉर कैट पढ़ने लगेंगे, तब क्या कर सकते हैं आप, आई फॉर इंक पॉट और जे फॉर जग कर सकते हैं। याद रखिएगा आर सी, आर सी याद करने के लिए कुछ याद कर लीजिएगा, जैसे आपके सिंहेश्वरी के टीचर हैं रंजीत चौधरी आर सी, उन्हीं के नाम से याद कर लेना। राकेश चंद्र शर्मा आर सी, जो पहले अंतरिक्ष यात्री, किसी से आप याद कर लेना। आर सी याद रखना है, आर सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसका। जहाँ मतलब कहने का मतलब आर सी क्यों याद करने के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि पहले आर आएगा फिर सी आएगा। अल्फ़ाबेटिकली मत सोचने लगना कि पहले सी आता है फिर आर आता है, नहीं, पहले आर आता है फिर सी आता है, क्योंकि हमें रंजीत चौधरी याद हैं, राकेश चंद्र याद हैं, इसलिए हमें आर सी याद है। पहले आर आएगा उसके बाद सी आएगा। आर पंक्ति क्रमांक को दिखाता है और सी स्तंभ क्रमांक को दिखाता है। पूरा का पूरा सारणिक आपका इन्हीं 7 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इन 7 पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना और पढ़ लेना, आगे हम इन पॉइंट्स को समझाते हैं।